देख भाई शमीम, अब बाजुओं में दम नहीं रहा मेरे, कांप जाते हैं ये हाथ दस देगी कमाने के बाद। क्यों लिया उनसे पैसे? हर हाथ शको पप्पू ने जबरदस्ती हाथ में थमा दिए, मैं नहीं कर सकी मना। वापस भी नहीं कर सकी। उधर क्या लेने आई? अभी इतना तमाशा तूने लगाया है, काफी नहीं है? निकल जा भाई। मैं अभी आती हूँ। मामा आपको याद नहीं आती मेरी? जो बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत रोन कर चली जाती हैं उन्हें कौन याद करता है? तो यही बात मेरी माँ मुझसे आंखें मिलाकर क्यों नहीं कह सकती? तुम्हें माँ की याद नहीं आई? कभी नहीं सोचा माँ के बारे में? इतनी प्यारी सी मामा को कौन भूल सकता है? मुझे आपकी रोज याद आती है। जब प्यास ब्राउन होने के बजाय ब्लैक हो जाते रहे तो माँ की याद आती है। आटा नरम गूंदने के बजाय सख्त गूंदा जाए ना तो माँ की याद आती है। मुझे आपके लेक्चर, आपकी बातें, आपकी डांट सब याद आता है। हमारा रोज याद आता है। मुझे मेहमानों को देखना है। मामा मैं भी अब मेहमान ही हूँ। एक बात बताकर मुझे चली जाए, आप सब कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? क्या मुझे नाराज होने का हक है फरिया? वैसे भी तुम अपनी फूफो की शादी में शरीक होने के लिए आई हो, माँ से मिलने के लिए नहीं। तो मामा, पापा और साकिब भाई ने जो लास्ट टाइम किया था उसके बाद मैं कैसे आती? शुक्र करो कि साकिब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, वरना कयामत आ जाती। और 10 लोगों की बातें तो भी मुझे सुननी है। तुम्हें और शगो को तो बर्दाश्त नहीं करना कुछ। कब तक हमें इस तरह आजमाइश में डालती रहोगी? कब तक? मुझे मेहमानों को अटेंड करना है। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया मेरे माँ बाप के साथ। और ये क्या, शादीशुदा बेटी मैं के आके खुशी होती है, पर यहाँ तो वो छुपाते फिर रहे हैं यूसुफ भाई और राशिदा भाभी। आंटी ये हमारा, मेरा और मेरी फैमिली का पर्सनल मामला क्या होता है भाई? ये तो हमें बरादरी का मसला बन गया है। तुम जैसी लड़की अल्लाह ताला किसी को भी ना दे। यूसुफ भाई और राशिदा भाभी को देख के तो दिल दुखता है। क्या स्टेटस होता था इनका,
पर अब देखो मुंह छुपाते फिरते हैं। तुम तो बड़ी ही ढीठ हो, मुंह उठा के चली आई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी तक क्या क्या कर रही है? तेरे को तो हामिद ने और शिवो ने बुलाया था ना, वो तो चले गए, तो तू भी जा यहां से। अभी यार बोल, टाइम मिल रहा है क्या? बिलाल तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो दावत खत्म हो गई, अब हमें भी घर चलना है, आ जाओ चलो। जिया सो सॉरी, मुझे लगा था इस मौके पे सबके दिल पिघल जाएंगे। नहीं ज्यादा, मैंने ना सबके दिल सख्त कर दिया, किसी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप करवा देती हूँ घर, रोना बंद करो। कब से इंतजार करूं, लग जाता है घर के कामों में टाइम। कह रहे थे आप इतना इसरार कर रही थी आ जाने के लिए, इसमें दिल चाह रहा था। चलो कैसी हो? ठीक, बिल्कुल खैरियत सर। चोट कैसी लगी? मेज, घर पे मेज, मैं बिल्कुल पागल हूँ, आप ही कहती रहती ना, ध्यान नहीं देती, इधर से उधर भागती रहती हूँ। जा रही थी और लग गई मेज से, पता ही नहीं चला। बाहर से आई हो शरबत बना के? माँ ये बात यह कि शरबत नहीं सिर्फ ठंडा पानी पीऊंगी, दूसरी बात यह कि खुद ले लूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आती हूँ, मेहमानों वाला सलूक शुरू कर देती हैं आप। ससुराल में खुश हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो अम्मा, खैरियत से हूँ। क्यों पूछी जा रही है बार बार? बाहर से आई हूँ, देखे मौसम कैसा हो रहा है,
सर में दर्द हो गया हल्का सा और क्या बात है? लड़कियों को ससुराल में खुद भूखे कदम रखने पड़ते हैं, फिर भी फिसल जाती हैं। सांस भी ख्याल से लेती हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। बेशक अपना सांस चर्च है, मर्द को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, कभी भी भड़क जा। सजा हमें मिलती है मगर अम्मा कब तक और किस हद तक? मेहनत करते हैं ना, सो टेंशनें होती हैं, गुस्सा आता है तो हाथ भी उठ जाता है। दिल पे मत लेना, हमारे अब्बा भी गुस्से के बड़े तेज थे लेकिन देखो कितना ख्याल रखा है ना हमारा। शाहजैन भी बड़ा अच्छा ख्याल रख रहा है तुम्हारा, खलूस तरीके से हमें मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। सब बातें एक तरफ, वो बात बताया, आज अगर मौका मिले आपको ये पूरी जिंदगी जो जिंदगी गुजरी है ना आपकी, ये पूरी जिंदगी दोबारा दोहराने का, हाँ क्या करेंगी? वही जो मैंने जिंदगी भर किया कि रिश्ते निभाऊंगी, लेकिन औरत का सब्र और बर्दाश्त उसकी कमजोरी नहीं होती, उसकी ताकत होती। बस अब से तूने ध्यान से कदम रखना है, दोबारा फिसलना नहीं है। था दो गोली सर दर्द की ला दो, सर फटा जा रहा है। रात से आप बहुत दवाएं खा चुके हैं, इतनी दवाएं अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। भाभी ये दवाई क्या नुकसान करेगी जो आपकी बेटी नुकसान कर गई, और माफ कीजिएगा भाई साहब, बेटी के लगाए इस दाग को मिटाने की दवा अभी तक इजाद नहीं हुई है। और वैसे भी शग्गो ने तो इस उम्र में शादी रचाई सो रचाई, फरिया ने आके और तमाशा लगा दिया। पता है लोग क्या बातें बना रहे थे कल? अब जो भी वो आना जुगन, तुम चुप हो जाओ। दुनिया वाले कम बातें बना रहे हैं, जो अब तुम भी बातें बनाओगी। बातें बनाने वाले तो बहुत हैं। आपको पता है कल वो बुन्नी बाजी और रानी क्या बातें कर रहे थे कि फरिया की शायद शादी नहीं चली, उसका शौहर उसे छोड़ गया, और ये इस तरह के पसंद के रिश्तों का कोई अंजाम नहीं होता। अल्लाह ना करे, बुन्नी बाजी को तो मौका चाहिए बातें करने का, और ये मौका आपकी बेटी ने खुद प्लेट में सजा के लोगों को दिया है, तो फिर क्यों ना तीर चलाए? बेटियां माँ बाप को हर हाल में ही प्यारी होती हैं भाई साहब, चाहे वो नाफरमान ही क्यों ना। मैं जुगन के इस रवैये के लिए आपसे माफी मांगता भाई साहब। कहीं वाकई तो फैसलों का अंजाम भी तो खुद ही भुगतेगी। Thank you.
इस वक्त कौन आ गया? मामा आप? देखने आई थी कि इस लड़के ने तुम्हें कैसे रानी बना कर रखा है। सॉरी मैं बस सफाई कर रही थी घर की। आप आए ना बैठे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है? नहीं बेटा, चाय बना देती हूँ ना आपके लिए। कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना, हम उस खानदान से हैं जहाँ दामाद के घर का पानी भी हराम होता है। मामा अब जमाना बदल गया है, अब दामाद बेटा होता है और बेटे के घर की हर चीज ना हलाल होती है, खाना हो या पानी। अच्छा यहाँ बैठ, मुझे बताओ तुम्हारी सास ने तुम्हें बेटी मान लिया है? बेटियों की तरह रखा है तुम्हें? बातें पुरानी हो या नई, कुछ सच कभी नहीं बदला करते। और सबसे बड़ा सच ये है कि यह लड़का तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इससे कहीं बेहतर घर और कहीं बेहतर लड़का मिल सकता था। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं सोचते बेटा। इस सब के लिए तुमने हमें छोड़ा था? मामा सिर्फ मोहब्बत, मोहब्बत करने की ही तो गलती की थी मैंने। ये घर, ये जिंदगी और ये लड़का कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चल। इस घर को देखकर मुझे घबराहट हो रही है बेटा। फरिया मैं मना लूंगी तुम्हारे पापा को और तुम्हारे भाई को। आ गई आप पापा को और साकिब भाई को मना लेंगी कि वो हमें माफ कर दें? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। वो लड़का आज भी हमारे खानदान में कहीं फिट नहीं होता, नहीं बन सकता वो हमारा हिस्सा। लेकिन मेरा हिस्सा बन गया है मामा, फरहाद मेरा शौहर है। क्यों तुम ये गलती करके माफी का ये मौका गंवाना चाहती हो? छोड़ दो उस लड़के को इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़ दे। वो क्यों छोड़ेगा मुझे? इसलिए क्योंकि जब जिंदगी की हकीकतें सामने आने लगती है ना, तो अपने किए हुए फैसलों पर पछतावा शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम लोगों की कि तुम लोग मोहब्बत के बलबूते पर सारी जिंदगी अकेले इस तरह से गुजार लोगे। मुझे लगा था कि जब तुम शादी पर आई थी ना, तो शायद हम सबको वहां देखकर तुम्हें अपनी कमी का एहसास हुआ होगा। शिद्दत से होता है अभी, रोज होता है। लेकिन ये कैसी शर्त है? अपने दो हिस्सों में से मुझे एक हिस्सा मानना पड़ेगा, ये किस इम्तिहान में आप मुझे डाल रही हैं? और मैं, मेरी क्या गलती है? मुझे किस इम्तिहान में डाला है तुम लोगों ने? रोज सोचती हूँ कि कहाँ मेरी तरबियत में और मोहब्बत में कमी रह गई थी, कि मेरी औलादें मेरे साथ नहीं रहना चाहती, साकिब भी घर छोड़ना चाहता। इतनी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे साथ घर चलोगी या नहीं? ठीक है, आज के बाद
इस घर की चौखट पर मैं कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगी। चाहती हूँ, इतनी आसानी से छोड़ दोगी मुझे? हाँ जवाब दो, छोड़ दोगी इतनी आसानी से मुझे? तुम छोड़ दोगी? बार बार क्यों तकलीफ देती हो मुझे तुम किरण, बार बार क्यों तकलीफ देती हो? ये ले भाई तेरा गर्मा गर्म जूस। सर पुरानी फिल्मों में हीरो की तरह लुक क्यों बना बैठा है? सब ठीक है? बस यार श्रिया की वजह से बड़ा परेशान हूँ। फैमिली को बड़ा मिस करती है, उदास रहती है। रोहित ये तो नॉर्मल सी बात है यार, अकेली बैठी होती है मिस तो करेगी। अब हर कोई तेरी तरह पत्थर दिल तो नहीं होता ना। बकवास कर ले तू, मैं कभी सीरियस हो जाएगा, कभी सीरियस हो जाएगा। अगर सीरियस ही हूँ। हो गई बकवास, अब मैं अपनी बकवास कर लूँ। पहले मैं बकवास कर लेता हूँ, फिर तू अपनी बकवास कर। नहीं यार इतनी जल्दी सेंटी क्यों हो जाता है? अच्छा बोल ना। यार समझ में नहीं आ रहा कैसे उसकी उदासी दूर करूँ, क्या करूँ, खुश हो जाए थोड़ी सी। कहीं घुमाने फिराने ले जा, उसके दोस्तों से मिलवाने ले जा उसको। अबे दोस्ती तो नहीं है उसके, जानता उसकी दोस्ती सिर्फ अपने कजन से थी बस। तो अपने दोस्तों से मिलवा ले, इतने रंग बिरंगे दोस्त हैं तुम्हारे। बेकार की बातें कर रहे हैं। अबे मेरे दोस्त हैं इस काबिल के, उसको उससे मिलवाया जाए। मिल तो चुके हैं मजबूरी में। भाई जितना मैं जानता हूँ भाभी को, वो तो चिल पार्टी है, उसको मिला अपने दोस्तों से घुल मिल जाएगी। भाई यार सीरियस बात बताना, आज तक तेरे मशवरों से शामत ही आई है? शादी की है, अब शामत तो आएगी। वैसे सीरियसली यार ट्राई कर, मिलवा उसको दोस्तों से, यकीन मान खुश हो जाएगी, गारंटी है मेरी। अबे गारंटी के बच्चे, अबे तेरी गारंटी की गारंटी कौन लेगा? हाँ यार एक तो तेरा ये बड़ा प्रॉब्लम है, शर्मिंदा बहुत है, दोस्तों से शर्मिंदा, पकवान से शर्मिंदा, अपनी जात से शर्मिंदा। भाई इस मसले को सही कर और हम पे नहीं डाल। हम तो भाई मलंग लोग हैं, हीरो लोग हैं, जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। दादा बकवास ना कर, भाई थोड़े से सेट लगा रू, बाहर के खाने खा खा के मेरे सिक्स पैक वन पैक बन गए। अब तू भी कर ले, शर्म कर ले। नहीं भाई मेरा हो गया आज का बस, बहुत है। अबे वो आर्नल्ड के नाम पे दबे, थोड़ा जिम कर ले। तो कर अपना लगा ले। पैटले क्यों वाला सामान मेरा हमारे किचन का? हाँ यही बात है। क्या हुआ? आज मेरी अम्मी आई थी। ओ क्या कह रही थी? वही जो तुम्हारी अम्मी ने कहा था, घर वापस आ जाओ लेकिन अकेले। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है ना?
ऐसा देख के मुझे बहुत बुरा लगता है यार। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादती कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम अगर चाहो तो तुम उनके साथ जा सकती हो, मैं शिकायत नहीं करूंगा। फरहाद हरगिज नहीं। और क्या बात कर रहे हो, तुमने सोचा भी कैसे? मेरा फैसला आज भी वही है जो पहले था। शुक्र है, मैं पता नहीं क्या फिल्मी हीरो के डायलॉग मार रहा था। अगर मैं चली जाती तो फिर क्या, बैठ के अपने आप को कोसता? और स्पेशली तुम्हें सबसे ज्यादा कोसता। अभी तो कह रहे थे अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, शिकायत नहीं करूंगा। वो तो मैम टाइम तो भी नाइस कर रहा था ना, क्या है मेरे लिए इमोशनल है ना, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। पर यार ऐसे हस्ती रहा करो, जब का दुनिया में सब ठीक हो गया। प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। खाना खाओगे? या आज मेरे दोस्तों से मिल रहा तुम्हें। यस सुनो, बेशक मैं सारी जिंदगी फैमिली से भागता रहा हूँ, लेकिन जो ये मेरे दोस्त है ना, आइटम है लेकिन मेरा सपोर्ट सिस्टम है। मिलोगी? मैं चेंज करके आती हूँ। जो अबे ओ जो जो, क्या चल रहा है तेरे जिम का? जिम अच्छा चल रहा है, सही तो चल रही है। कहाँ से ही चल रहा है भाई, जिम तो तेरा है, तेरा कुछ नहीं है। प्रोटीन शेक मुझे है ना? प्रोटीन शेक नहीं बेटा, वो जो बोर्ड के ऊपर से ना बॉयज एंड गर्ल्स लिखा हुआ है ना, गर्ल्स को हटा दे तब तेरा कुछ होगा। ले क्या आजकल यही चल रहा है, मिक्स जिम चल रहे हैं आजकल। हाँ इसीलिए तेरी ये सेहत बनी हुई है। बुखार रह गया? तू क्या खा रहा है बेटा? जी मैं तुझे बता रहा हूँ, भाभी ने रोका होगा उसे, भाभी ने परमिशन मांगी होगी, उसने ऐसी डांट पिलाई होगी ना उसे, ऐसी डांट पिलाई होगी जैसे मुंह बन गया होगा उसका। तुझे बता रहा हूँ जो जो, शादी कभी जिंदगी में मत करना, समझ गया तू? शादी करके इंसान की जिंदगी ना झंड हो जाती है अपने। हाँ यही 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 उसकी आंखें बनी, यही मुंह बनता है जब आप बीवी के सामने जाते हो। जब हमारे साथ होता था तो कैसे कैसे डोले बना के यूं खड़ा होता था हमारे सामने, अपना हीरो लगता था। रवि देख जब भाभी के सामने होता है, जी देखो अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी? मैं आपके बारे में ही बात कर रहा था, शादी के बाद जिंदगी कितनी सुहानी। कैसे हैं आप? तो मैं ओके डन, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, आप तो दोस्त की बीवी को देखकर ही घबरा गए, अपनी आएगी तो क्या करेंगे? नहीं नहीं आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाभी सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्या आप लोगों को हेल्थ सर्टिफिकेट ला के दूँ कि मैं ठीक हूँ? मैंने पहले ही बता दिया हैं ये सारे डॉक्टर नीचे गए हैं। अरे भाभी आप आए ना, तशरीफ रख के ठंडा करें, वो कुछ क्या चलेगा? नहीं मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। अरे आओ ना। अरे भाई चलो चलो, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। चलो अच्छा मैं शुरू करूँगा। मेरे लाते हैं जल्दी कर। क्या कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं होता, रुक जा ये दे। तेरे बस की बात नहीं है भाई, तू जा जाके जिम लगा, इधर देख। हाँ भाई डब्बू के मैसी। एक सेकंड, हैरत की बात है आप लोग रोज यहाँ बैठते हो और इतना बुरा खेल रहे हो। हम तो लिहाज कर रहे हैं आपका भाभी, मैं ये कैरम में हमें कौन अड़ा सकता है बताओ।
गेम में कोई लिहाज नहीं होता है, दम है तो हरा के दिखाओ। पानी देख रहा हूं, डूब रहे परहार। वाह, तुम आज जिस तरह मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर गए हो, रहा ये बात मुझे फिर अच्छी नहीं लगी। अबे हैं दफर यार, मैंने समझाया भी था कि थोड़ी सी तमीज करो। मेरी बात तो सुनो ना फरहाद, बोलते जाते हो। मुझे ये बात बहुत 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 अच्छी लगी है। तुमने मेरी इतनी केयर की, मेरी उदासी दूर करने के लिए तुमने अपने साथ लेकर जाए, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कराया, इतना अच्छा लगा है। आई लव यू। अब अब तो अरे आराम से चलाओ, क्या कर रहे हो? वैसे एक बात बताऊं, सारी गाड़ियां एक तरफ और बाइक की राइड एक तरफ, मतलब इससे ज्यादा रोमांटिक सवारी तो मुझे कोई लगती ही नहीं है। आप भला बताओ, गाड़ी में कोई इस तरह बैठ सकता है? बाइक की बात ही है भाई, मतलब पुराने जमाने में ना ये अम्मी जब ये धंधे देखा करती थी ना, ये पुराने जमाने की, उसमें ऐसे हीरो हीरोइन यही बाइक पे बैठ के जा रहे होते थे और पीछे ये फिल्मी म्यूजिक। मेरी भी बात मामा, वो फिल्में देखते थे। लेकिन बाइक के पास एक खराबी है। वो क्या? तो म्यूजिक ही नहीं है। तो इस पे कौन सी मसले वाली बात है भाई, हम है ना लाइव म्यूजिक। किन दिया हो जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में बिन नजराना, वो फोन कर लो और आके आराम से फोन कर दो, आएगा ना लौट के समय सुहाना, रख दिया कदमों में दिल का जुराना, फोन कर लो। वाह वाह, इतने पुराने गाने याद है तुम्हें? तो पुरानी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं। शाज़ेन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। समझ नहीं पा रही हूँ आपको, आप खुश नहीं है मेरे साथ? आए दिन छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एक दूसरे को अजियत देने से बेहतर है ना कि हम अलग हो जाएं। मैं सारी जिम्मेदारी लूंगी, हर चीज की जिम्मेदारी लूंगी। आपकी तो कोई गलती भी नहीं है ना? आप मुझे फरहाद की वजह से नाराज हैं, गाड़ी की वजह से नाराज हैं, मान रही हूँ। किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगी आपका। तलाक लेना चाहती हूँ मुझसे? क्यों मेरे लिए बोल रही हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, या फिर शायद तुम मुझसे खुश नहीं हो? जवाब दो। सैन, मुझे डर लगता है। क्या किया है मैंने ऐसा? हाँ, क्या किया है बताओ मुझे। मेरे घर वाले मुझसे कह रहे थे कि मैं कहीं और शादी कर लूं, उनकी जहेज की सारी मांगे पूरी हो रही थी वहां, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था।
मैंने गाड़ी के अलावा बहुत कुछ गवाया है। याद है तुम्हें अम्मा ने क्या कहा था? क्या कहा था? कि गाड़ी आएगी तो ही मैं कमरे में आऊंगा। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पूरे शहर में जब दिल चाहा तुम्हें बाइक पे बिठाकर कहीं भी ले गया। लेकिन फिर भी मैं ही बुरा हूं, तुम मुझे ही बुरा समझती हो। तुम्हारे भाई की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त की, लेकिन तुम फिर भी मुझे ही बुरा समझती हो। यार छोड़ना चाहती हो मुझे? छोड़ना चाहती हो? इतनी आसानी से छोड़ दोगी मुझे? हाँ जवाब दो, छोड़ दोगी इतनी आसानी से मुझे? तुम छोड़ दोगी? बार बार क्यों तकलीफ देती हो मुझे तुम किरण? बार बार क्यों तकलीफ देती हो? आज तो तुमने ये बात कर दी है, लेकिन आज के बाद तुम्हारी जबान से ऐसी बात मैं दोबारा ना सुनू। नो बॉल हुई है ये तो? नो बॉल पे हिट का तो मजा ही अपना है। रीड मिलेगा? मिलेगा नहीं देगा, हमारी टीम के खिलाफ साजिश ही होती है हमेशा। अबे क्या कहते हैं आप तू? अबे गली के बच्चे अच्छे गली के इंसान है जी मेरे त्यागी। मैं किसने पकड़ा दिया बैट इसको अभी? फरहाद क्या हो रहा है ये? वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो मैंने घर पे बुला लिया सबको। मुझसे पूछ तो लेते। इसका खत्म माइंड नहीं करोगी? सबसे दोस्ती हो गई है ना? पर हाँ, बाहर मिलना एक अलग बात होती। एक ही तो संडे मिलता है हमें। अरे यार एक संडे की तो बात है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है। तुम्हें कब से फिर दिलचस्पी होने लगी है क्रिकेट में? भाभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसमें तो सबको दिलचस्पी होती है ना। आप भी आए हमारे साथ देखी? नहीं मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप लोग ही देखें। अरे एक आध ओवर देख लो ना। आ जाओ मैं ना। आ जाओ। नहीं चाहिए। मैंने काफी एंजॉय कर लिया, आप लोग भी देखें मैच। सॉरी यार लैंप टूट गया, बाबे गुस्सा हो गया ना। अबे ओ भाई चलो निकलो यहाँ से, चलो बाकी का मैच जिम में चल के देखेंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटू। अरे भाई यहाँ का माहौल इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज्यादा इंटेंस है, चलो निकलो यहाँ से। चल भाई इट्स ओके यार, तुम भाभी को देर हम निकलते हैं। सर तुम निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आ जा तू जिम में यार।